सो आज हम ऐसे पांच टाइप के रिलेशनशिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी की अभी आपको छोड़ देने चाहिए अगर आप इन पांचों में से किसी भी एक टाइप के रिलेशनशिप में इस वक्त हो, या आपको लग रहा है आपका रिलेशनशिप इस तरफ जा रहा है तो उसे ठीक करने की कोशिश करो। अगर ठीक नहीं कर सकते तो इसे अभी की अभी छोड़ दो। सो हाय गाइज, माय नेम इज केएसआर एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन अवर न्यू वीडियो। तो इस चैनल पे हम यूजुअली लाते रहते हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड और ब्रेकअप मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोस। अगर आप ब्रेकअप से अभी निकल रहे हैं और आप मोटिवेट होना चाहते हैं तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। तो एक घंटी भी साथ में होगी तो वो घंटी भी दबा देना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। जब भी आप देखो, लाइक करोगे तो हमें लगता है कि यार हाँ, लोग हमें पसंद कर रहे हैं और हमें और ऐसी वीडियोज़ आगे फ्यूचर में बनानी चाहिए। तो शुरू करते हैं। तो पहला टाइप का रिलेशन जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए वो है अब्यूजिव रिलेशनशिप, मतलब जिसमें गाली गलौज काफ़ी ज़्यादा होती है। अब कुछ लोग बोलेंगे यार गाली तो ट्रेंडिंग में है, गाली में क्या दिक्कत है, गाली तो सब देते हैं। हाँ, गाली सब देते हैं। मैं यहाँ उसकी बात नहीं कर रहा हूँ जो आप कन्वर्सेशन में गाली देते हो, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो आप उस इंसान को गाली देते हो। एक होता है कि आप कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो, आप कोई पर्टिकुलर चीज़ को गाली नहीं दे रहे, ठीक है, बस वो आपका स्लैंग है। अब जो लोग स्लैंग नहीं समझते हैं वो गूगल कर लो। अगर वो स्लैंग में बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर वो आपको बोल रहा है, वो ये बोल रहा है कि तू ये है, तेरे घर वाले ये हैं, या एक्स वाई जेड, तो वहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो गुस्से में बोलते हैं कि मैं तो गुस्से में था इसलिए मैंने बोल दिया, नहीं तो मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। अगर वो गुस्से में भी बोल रहा है तब भी चलो एक बार समझ में आता है, दो बार समझ में आता है, पर कंसिस्टेंटली वो ये करे जा रहा है तो आई थिंक इस टाइप के रिलेशनशिप से अभी की अभी आपको निकल जाना चाहिए। तो नंबर टू पे है जिस टाइप के रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना चाहिए वो है जहाँ पे आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। मतलब आपको समझाता है कि कोई सर्टन वे में आप रहो। एक होता है सजेशन देना कि आप इस तरीके से रहो, या ये चीज़ करो, या इससे इंसान से बात करो, वो आपको एक सजेशन दे। और दूसरा होता है आप पे वो चीज़ थोपना कि अगर तुझे इससे बात करनी है तो बार बार आपको चॉइस देता है कि या तो इसको चुनो या तो मुझको चुनो, अब हम दोनों में से चुनो, या अगर तुम उससे बात करोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर वो फोर्सफुली आपको मोल्ड करने की कोशिश करता है, फोर्सफुली आपको कोई चीज़ काम करवाता है, चाहे वो या किसी से बात करना हो या किसी से बात ना करना हो, अगर वो दोनों ही केसेस में आपको फोर्स करता है ये सब करने के लिए, अपने हिसाब से आपको ज़िंदगी में मोड़ने तरोड़ने की कोशिश कर रहा है, तो शायद ये फ्यूचर के साथ और बढ़ सकता है, ठीक है। तो जिसे वो प्यार का नाम दे रहा है, तो आई थिंक इस टाइप के रिलेशनशिप से आपको अभी बाहर निकल जाना चाहिए। अगर ठीक कर सकता है वो आदमी, इस पे काम कर सकता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो इसी वक्त अभी की अभी निकल जाओ। तो थर्ड नंबर पे है जिस टाइप के रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना चाहिए, जिसमें आपकी लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि अब समझो इस बात को कि अगर आप उससे बहुत, वो आपसे बहुत कम बात करता है, या आप उससे बहुत कम बात करते हो, आप उसे जानते नहीं हो प्रॉपरली, जब भी कोई चीज़ होती है आपको लगता है यार ये बहुत, ये तो मैं, मुझे पता ही नहीं था ये कुछ नया हो रहा है, तो अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, आप उसे अपनी बात नहीं समझा पा रहे, वो आपको अपनी बात नहीं समझा पा रहा, वो आपकी नहीं सुनना चाहता, आप उसकी नहीं सुनना चाह रहे, तो ऐसे रिलेशनशिप को यूजुअली ऐसे रिलेशनशिप एंड अप कैसे होता है, या तो आप पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए या वो पूरी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। तो इस टाइप के रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप अकेले रह लीजिए, क्योंकि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जहाँ आप समझा नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की बातें, तो वहाँ लड़ाइयाँ होने के चांसेस बहुत हैं, और लड़ाई के बावजूद आप नहीं समझा पाएंगे कि आप लड़ क्यों रहे हैं। तो आई थिंक इस टाइप के रिलेशनशिप से आपको इसी वक्त बाहर हो जाना चाहिए। नंबर चार पे है जिस टाइप के रिलेशनशिप में हमें नहीं रहना चाहिए कि वो लोग जो आपको बार बार अपनी एक्स से, अपने एक्स से कंपेयर करते हैं, भैया ये लोग जहर होते हैं, जहर, ठीक है, इस जहर को निगल मत लेना, ठीक है। ये बात बात पे बोलेंगे मेरा एक्स तो ये नहीं करता था, या हर बात पे, पता है मेरे एक्स ने मेरे बर्थडे पे ये किया था, मेरे एक्स ने, तो हर चीज़ में उनका एक्स बीच में आ जाता है, मैं तो अपने एक्स के लिए ये करता था, मैं ये किया। आपसे रिलेशनशिप में आने के बावजूद जो लोग बार बार अपनी एक्स की बातें करते हैं, उन लोगों से
दूर रहना ही अच्छा है, क्योंकि एक दिन जब उनकी एक्स आएगी तो वो चले जाएंगे फिर आपका कट जाएगा। हाँ एक्चुअल में मुझे ऐसा लगता है जो आदमी बार बार अपने पास्ट, वो पास्ट में जी रहा है और वो अपने प्रेजेंट में नहीं जी रहा है, जो कि बहुत बुरी चीज़ है। और अगर वो बार बार आपको किसी ऐसे इंसान से कंपेयर कर रहा है जो कि आप नहीं हो और आप वैसा बनना भी नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में, तो आई थिंक ऐसे इंसान से अभी की अभी रिलेशनशिप क्विट कर दो इसी वक्त। तो नंबर 5 पे है वो लोग, जो लोग वैसे मैच्योर लोग ये काम करते नहीं हैं, बट जो आजकल निब्बा निब्बी है वो काम करते हैं ऐसे कि एक दूसरे के पासवर्ड्स लेना, ठीक है, सारे आईडीज़ के, फेसबुक के, व्हाट्सएप स्कैन कर लेना, आजकल वो फ़ोन में भी चला है कुछ, मतलब अपनी सिम का ओटीपी वगैरह देके आप कॉल डिटेल्स भी निकाल सकते हो। तो ये सारा स्कैम चल रहा है भाई, हमें नहीं पता है पर चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि आपको, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको सिर्फ ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना चाहिए जो आपको कंट्रोल कर रहा है हर जगह से, मतलब आप किससे बात कर रहे हो, चाहे भले ही आपको कुछ बोल नहीं रहा पर वो हर चीज़ मॉनिटर कर रहा है कि आप किससे बात कर रहे हो किससे नहीं कर रहे हो। आजकल तो कुछ लोग, मतलब अगर आपको किसी लड़के की रिक्वेस्ट भी आई तो पीछे पीछे से ब्लॉक कर देते हैं वो लोग, ठीक है, तो ऐसे भी करते हैं। तो अगर वो आपके हर चीज़ के पासवर्ड रख रहा है, आपका व्हाट्सएप स्कैन करके रख रहा है, फ़ोन चेक करता है बार बार, तो ऐसे लोगों से रिलेशनशिप तोड़ देना ही अच्छा है, ऐसे रिलेशनशिप से बाहर आ जाना ही अच्छा है, क्योंकि वो इंसान की इनसिक्योरिटी बढ़ती रहेगी और वो कहीं ना कहीं एंड पॉइंट में जाके आपको उसमें हर्ट ही होने वाला है फ्यूचर में। और आप, वो मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि पिंजरा भले ही सोने का हो पर वो पिंजरा है, ये याद रखना। तो मुझे लगता है कि ऐसे टाइप के रिलेशनशिप में आपको बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने बात की उन 5 टाइप के रिलेशनशिप में जिसमें आपको नहीं रहना चाहिए, वैसे तो बहुत टाइप के हैं, तो फ्यूचर में अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो लाइक कर दीजिए। तो इस वीडियो के लिए एम करते हैं करीबन 2000 लाइक, तो अगर आप कर देंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा और हमें लगेगा यार लोगों को पसंद आ रहा है। तो थैंक यू यार, होप सो कि आपको मज़ा आया हो। इनकेस आपको कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो इंस्टाग्राम पे डेली हम 9 बजे लाइव आते हैं, तो आप वहाँ आके बात कर सकते हैं हमसे 1-on-1, ठीक है। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।